शिवपुरी पुलिस ने बिजली तार चोरी करने वाले गिरोह के 8 सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया है। चोरों से चुराए गए बिजली तार सहित इस्तेमाल किया गया लोडिंग वाहन जब्त किया गया। बिजली चोर गिरोह पर 10-10 हज़ार का इनाम घोषित था। प्रेस कॉन्फ्रेंस में एसपी राजेश सिंह चंदेल ने बताया कि 17 अप्रैल 2022 को पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि ऑटो लोडिंग टैक्सी नंबर MP33L3028 और एक छोटा हाथी लोडिंग वाहन नंबर MP33L2031 से 7-8 लड़के चोरी का बिजली के खंभों का तार लेकर शिवपुरी तरफ बेचने के लिए त्रिपाल से ढककर ले जा रहे हैं और अभी भड़ौता पुल के पास खड़े हैं। सूचना पर कार्रवाई करते हुए पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंची और दोनों गाड़ियों को चेक किया, जिसमें बिजली के एल्यूमिनियम के तार के बंडल रखे पाए गए और दोनों गाड़ी चालकों सहित 8 व्यक्ति बैठे मिले, जिनसे तार के संबंध में पूछताछ की तो तार जाट होटल कोलारस के सामने हाईवे पर से बिजली के खंभों से चोरी करना बताया, जिसे उक्त दोनों गाड़ियों से पुरी में जेल के सामने हजारी राठौर कबाड़ी के यहाँ बेचने के लिए ले जाना बताया। सख्ती से पूछताछ करने पर उक्त चोरों के द्वारा थाना बदरवास की 4, कोलारस की 4, इंदार की 1, पोहरी की 1, बैराड़ 1 बिजली तार चोरी की घटना करना स्वीकार किया गया। पुलिस ने आरोपितों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से तकरीबन 5 क्विंटल बिजली के एल्यूमिनियम के तार जब्त किए हैं, जिसमें बिजली के तार चोरी करके ले जा रहे थे और साथ में खंभे भी तोड़ जाते थे या तिरछा कर जाते थे। ऐसे कई सारे प्रकरण आए और उसके बारे में सभी थाना प्रभारियों को जिले में लगातार इसके लिए कार्रवाई करने के लिए बोला गया था। हमारे SDP कोलारस जो अभी देख रहे हैं दीपक तोमर और इनके TI आलोक भदौरिया जो कोलारस में हैं और उनकी टीम योगेंद्र और हेड कॉन्स्टेबल नरेश और सारे टीम जो है इनकी, इसमें कल इनको बड़ी अच्छी सफलता मिली। थोड़ा सा इनको अंदाज लग रहा था कि कुछ लोग इस तरह से बार बार वारदात कर रहे हैं, तो कल इनको सूचना मिली जब 2 गाड़ियाँ इन्होंने रोकी और उसमें 8 लोग थे, जिनसे करीबन 1.5 लाख रुपए का एल्यूमिनियम का तार चोरी किया करके जो ले जा रहे थे वो बरामद हुआ। उनसे जब पूछताछ की गई तो उन्होंने 11 ऐसे अपराध करना बताया, जिसमें 4 कोलारस के हैं, 4 बदरवास के हैं, 1 कोरी का है, 1 इंदार का है और 1 बैराड़ का है। इन 8ों ने ये भी बताया कि ये चोरी करने के बाद में एक 2 कबाड़ी है यहाँ पे, उन दोनों कबाड़ी के यहाँ पे सामान बेचते थे और वो तार इधर उधर हो जाता था इसके बाद में। तो ये अच्छी एक व्यावसायिक सफलता कोलारस पुलिस को TI आलोक भदौरिया के नेतृत्व में मिली है और इसे पूछताछ कर रहे हैं। इसमें जो जानकारी ली गई तो इनमें से 8 में से 3 लोगों के ऊपर पहले से क्रिमिनल रिकॉर्ड है और पहले के मारपीट इस तरह की वारदातें भी हैं, तो हम लोग उस पर कार्रवाई करेंगे और एक अच्छी सफलता मिली। हमको उम्मीद है कि और सामान रिकवर होगा। नहीं, अभी तो जो पकड़ाए हैं जो चोरी कर रहे थे वो यहीं के हैं, जिले के ही हैं, और इनसे जो सामान खरीद रहे थे वो भी यहीं के हैं, वो शिवपुरी प्रॉपर के हैं, जनरली दोनों दुकानें। और अब ये माल यहाँ से कैसे ले जाते थे, अब उनको पकड़ेंगे, अभी वो फरार हो गए जैसे उनको सूचना मिली होगी, लेकिन जल्दी पुलिस पकड़ेगी उनको तो फिर इसका फर्दर खुलासा होगा। सर, ये बदरवास हादसे में अभी तक